गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हर्षल है और आज हम लोग एकिनो कैक्टस ग्रोसोनाई, ऑल्सो नोन एज बैरल कैक्टस की रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो एकिनो कैक्टस ग्रोसोनाई जो कि एक काफ़ी कॉमन कैक्टस है और हर कैक्टस कलेक्टर के कलेक्शन में मिल जाता है इजीली देखने को। मेरे पास भी ये ग्रोसोनाई बहुत टाइम से है। इनफैक्ट ये मेरे फादर ने मेरे बर्थ होने से पहले लिया था, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 36 ईयर्स ओल्ड। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 10, टेम्परेचर ऑलरेडी 40 डिग्रीज हो चुका है, तो आज बढ़िया गर्मी होने वाली है। मीडिया हम लोगों ने कल रेडी कर लिया था और रिपोर्टिंग से पहले हम लोग थोड़ा मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। मीडिया में आप देख सकते हैं सिंडर है और मोरंग है, जिसको हम लोगों के यहाँ मोटा रेता बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन सैंड जिसको बोलते हैं। तो उस कंस्ट्रक्शन सैंड को मैंने बस वॉश करके उसमें जो मिट्टी थी उसको वॉश ऑफ कर दिया है, सीव नहीं किया है, छाना नहीं है उसको। तो जो कंस्ट्रक्शन सैंड थी उसमें थोड़ा फाइन मटेरियल था, वो भी इसी में ऐड हो गया है, और जो उसका कोर्स पार्ट होता है वो भी इसमें ऐड हो गया है। तो सिंडर हो गया और ये मोरंग हो गया और इसमें काउ डंग कॉम्पोस्ट मैंने यूज़ किया है। यूजली वर्मी कंपोस्ट भी लोग यूज़ करते हैं, मैं वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास काउ डंग कंपोस्ट बहुत अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल थी, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया है। रेशियो की बात कर लेते हैं, तो यूजली जो मेरे एरियोकार्पस है, जिम्नोकैल्शियम्स हैं और जो बाकी कैक्टाई हैं उसमें मेरा मिक्स का परसेंटेज 70-30 का रहता है, 70% सिंडर 30% कॉम्पोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन आज इस वाले मिक्स में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। इसमें सिंडर है, मैंने आपको बताया, मोरंग है, काउडंग कॉम्पोस्ट है और मैंने थोड़ा सा सिस्टमिक फंजीसाइड ऐड कर दिया है। इसमें परसेंटेज बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि सिंडर मैंने अराउंड 80 किलोज़ यूज़ किया है, 150 किलो मैंने मोरंग यूज़ किया है और अराउंड 60 केजी मैंने इसमें काउडंग कॉम्पोस्ट यूज़ किया है। तो मेरा थोड़ा सा मैथ्स वीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किसका कितना परसेंट आ रहा है। तो मेरे 5 ग्रोसोनाई 14 इंच के पॉट वाले साइज़ के रिपोर्ट हो चुके हैं। आइए आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो रिपोर्ट होने के बाद कैसे लग रहे हैं। और अब नंबर है सबसे बड़े वाले का 18 इंच पॉट के लिए। चलो भाई उठाओ। सही है, इतना और बना रहा है, काफ़ी है।
डिग्री हो रहा है अभी। ये गार्डनिंग कंफर्ट जोन में रह के नहीं करी जा सकती, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद कैक्टाई एंड सक्कुलेंट्स डेजर्ट प्लांट्स। तो फाइनली एक डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद सारे ग्रोसोनाए हो चुके हैं रिपोर्ट। ये 14 इंच के पॉट में है और ये 18 इंच का पॉट है। ये एल्बी स्पाइनस है, ये लास्ट टाइम मैंने रिपोर्ट किया था, इसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर पोस्ट किया था। एनीवे आई होप आपको ये रिपोर्टिंग का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको अपनी वॉल पर शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।